सो वेलकम एवरीबॉडी वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जसनीत सिंह। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है टू अ वेरी फ्रेश न्यू वीडियो। एंड इट्स बीन क्वाइट अ वाइल कि मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, मेनली बिकॉज आई वाज हैविंग अ फ्रैक्चर्ड लेग, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड योर लव एंड सपोर्ट सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग वेंट वेल। नाउ आई एम परफेक्टली फाइन। मुझे प्लास्टर चढ़ा था वैसे 45 डेज का, गर्मी इतनी है तो मुझे इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने उसको निकाल के फेंक दिया है। एंड नाउ आई एम बैक इन एक्शन, दोबारा आपके लिए एक व्लॉग ले आया हूँ। एंड आज के व्लॉग के अंदर गाइस, दीज टू ब्यूटिफुल बाइक्स आर गोना बी लिटरली अमेजिंग, जबरदस्त। एंड आई बेट यू वॉन्ट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू, कॉज ये दोनों बाइक्स कौन सी है, ये दोनों बाइक्स क्या है, पहले आप सिनेमैटिक्स इन्जॉय करो एंड फिर रिवील करता हूँ मैं आपको वेदर दीज टू बाइक्स आर द सेम और नॉट, क्या चीज़ें हैं, कौन सी बाइक्स है, पहले सिनेमैटिक्स इन्जॉय करो उसको बताता हूँ आपको। एंड लाइक ऑलवेज गाइज, शुरुआत हमेशा एक थैंक्स की तरह ही होती है, थैंक यू सो मच गाइज। इस दौरान वीडियोस नहीं आ रही थी एंड तब भी आप लोगों ने सपोर्ट देना बंद नहीं करा। एंड माय यूट्यूब फैमिली इज़ नाउ ओवर 82,000 सब्सक्राइबर्स, 82,000 लिटरली, आई कैन नॉट थैंक यू गाइज इनफ, थैंक यू सो मच गाइज। ऐसे ही प्यार देते रहो, सपोर्ट देते रहो, सब्सक्राइब करते रहो एंड आई मेक श्योर आपको डिफरेंट एंड यूनिक कंटेंट आपको हमेशा डिलीवर करता रहूँगा। बाकी लॉट के अंदर बाइक्स बहुत सारी आ गई है, या एडवेंचर सीरीज़ के अंदर भी एक वीडियो मैं नेक्स्ट होपफुली बनाऊँगा। देखना चाहते हो नीचे जल्दी से कमेंट ड्रॉप कर दो, टाइगर GS TRK 502। बाकी बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, पहले सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, देन लेट्स गेट बैक इन एक्शन। तो गाइस, बाइक्स कौन सी आज के व्लॉग के अंदर, द बाइक्स आर दीज टू ब्यूटीफुल हार्ली डेविडसन स्पीड बॉब। गाइस ये दोनों बाइक्स जो आप देख रहे हो, ये दोनों सेम बाइक्स हैं, एब्सोल्युटली सेम, बट एक्सेसरीज के अंदर इतना डिफरेंशिएट, इतनी सारी एक्सेसरीज हैं, इतना कुछ सामान है कि आपको शायद ये दोनों बाइक्स बिल्कुल अलग अलग लग रही होंगी। बाकी कुछ आपको सिमिलैरिटीज दिख रही होंगी, ओवरऑल बेसिक अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो सेम लग रहा होगा। बाकी दिस इज़ near to stock, not stock, nearing stock, but this beauty over here is completely built up and very nicely, very tastefully done. तो चलिए आज का ब्लॉग शुरुआत करते हैं, आपको बताता हूँ दोनों की डिटेल्स, दोनों के अंदर कंपैरिजन एंड दोनों के अंदर क्या क्या एक्सेसरीज लगी है, लेट्स स्टार्ट दिस थिंग। सो गाइस शुरुआत करते हैं, पहले इससे करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद दिस ब्यूटिफुल चारकोल डेनिम ग्रे कलर। ये चारकोल कलर, आई थिंक ये दोनों कलर ही बहुत यूनिक कलर्स मैं लेके आया हूँ। आपने ब्लैक कलर तो देखा होगा स्ट्रीट बॉब के अंदर, डेनिम ब्लैक आता है इसके अंदर एक, दैट्स दी वेरी कॉमन आउट कलर, बट दिस चारकोल कलर वेरी रेयर एंड लुक्स टू गुड। कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स गाइस, कमेंट में बताना ज़रूर ये कलर कैसा लगा। एंड इस कलर को बोलते हैं एम्बर विस्की, जैसे ऑरेंज कलर आप देख रहे हो, दिस नोन एज एम्बर विस्की कलर। बाकी दोनों कलर्स यूनिक कलर्स, टू डिफरेंट, टू यूनिक बाइक्स आज आपके लिए लेके आया हूँ गाइस। शुरुआत करते हैं इसके साथ गाइस, तो ये जो बाइक है 2014 मैन्युफैक्चर्ड है एंड 14 ही रजिस्टर्ड है। कलर आपके सामने है, अलॉय व्हील्स आप देख सकते हो, स्ट्रीट बॉब गाइस, एक डायना सीरीज़ के अंदर आती थी ये एंड ये एक लेजेंडरी बाइक है। अगर आप डायना के बारे में बात करो, डायना स्टैंड्स फॉर पावर, इट्स पावर एंड डायना एक सीरीज़ हार्ली की तरफ से आई थी विच वॉज बींग वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिली थी इसको। एंड अनफॉर्चुनेटली 2018 के अंदर हार्ली हैड टू शट डाउन डायना एंड कोई एक एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई हार्ली की तरफ से ऐसा क्यों किया गया, बट ये बाइक सबसे ज़्यादा लगा लो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सबसे तगड़ी बाइक मानी जाती थी। एंड इनफैक्ट जो भी एक न्यूबी आता था सबसे पहले वो एक डायना सीरीज ही प्रेफर करता था बिकॉज ऑफ ऑल दो गुडीज़ एक मिलती थी आपको इसके अंदर। गुडीज़ क्या मिलती है, सॉफ्ट, अनलाइक सॉफ्टेल के अंदर आपको ये सस्पेंशन अंदर मिलता है, इसके नीचे लगा होता है, ये सॉफ्टेल की तरह सेंसिटिव नहीं थी। मोर ओवर इसके अंदर आपको मैनूवरिंग करना ईजी होता था, दिस इज़ अ वेरी कम्फर्टेबल बाइक जो सॉफ्टेल लैक करती है। सॉफ्टेल के अंदर फैट बॉय आती है, हेरिटेज आती है, वो सारी सॉफ्टेल्स हैं, ये सॉफ्टेल नहीं है, ये डायना है। एंड उसके अलावा गाइस और भी काफ़ी सारे चेंजेस थे, लेट्स नॉट गेट इनटू टेक्निकल पार्ट्स। बाकी रही बात इस बाइक की गाइस, 2014 मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड, एक्सेसरीज में आप देख सकते हो आगे अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं, दीज आर अगेन बाय हार्ली डेविडसन। ये अलॉय व्हील दोनों में कॉमन लगे हुए हैं, इसके अंदर रिम्स आते हैं
ये ट्यूबलेस टायर्स नहीं आते, ट्यूब वाले आते थे कंपनी से ही, बट इसके अंदर अलॉय व्हील्स लगे हुए विच आर नाउ कम्प्लीटली ट्यूबलेस एंड अलॉन्ग विद द अलॉय व्हील्स, जिसके अंदर आपको आगे एलईडी हेडलाइट्स मिल जाएंगी। ये मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। दीज आर योर मेन हेडलाइट्स एंड दिस इज योर पार्किंग लाइट्स, ये जो रिंग जल रही है ग्लो कर रहे हो। अलॉन्ग विद दीज गाइज आपको अगर आप साइड में आएंगे आपको लेग गार्ड आगे देखने को मिल ही रहा है। लेग गार्ड इज अगेन बाय हार्ली डेविडसन एंड अलॉन्ग विद द लेग गार्ड गाइज यू गेट द स्क्रीमिंग ईगल एग्जॉस्ट एयर फिल्टर। नाउ दिस एयर फिल्टर गाइज इट्स हाई परफॉर्मेंस एयर फिल्टर विच इज़ फॉर लाइफ टाइम यूजेज, आपको ये चेंज करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू टेक इट आउट, क्लीन इट ऑफ एंड इसको दोबारा इट्स रीयूजेबल। एंड अलॉन्ग विद दिस ब्यूटिफुल स्क्रीमिंग ईगल का जो एयर फिल्टर आप देख रहे हो गाइज, आपको इसमें एग्जॉस्ट भी मिलता है एंड द एग्जॉस्ट इज ऑफ वैंस एंड हाइंस। नाउ दीज आर वैंस एंड हाइंस एग्जॉस्ट विच आर अगेन वेरी लाउड। चलान देखो आजकल कट रहे हैं एंड इस पर भी कट सकता है आपका चलान, कॉज इट्स अ वेरी लाउड मशीन। आपको इसकी आवाज़ आगे चल के मैं सुनाऊंगा, एक फ्लाई बाय भी दूंगा आपको। बाकी वैंस एंड हाइंस एंड इसका जो आप टोन देख रहे हो कलर टोन दैट गोज वेल विद द बाइक, ये भी लगभग ग्रे ब्लैक कलर के हैं, ऑल्दो थोड़ा सा फेड होने लग गया है। यहाँ से आप देख सकते हो थोड़ा बहुत वेयर एंड टेयर है बाइक के अंदर, आई वॉन्ट से इट्स नेक्स्ट टू शोरूम, बट बॉडी लाइन से कहीं पे भी स्क्रैचेस या कोई डेंट्स वगैरह नहीं है, इट्स अ क्लीन बाइक ऑल टुगेदर। अलॉन्ग विद दीज एग्जॉस्ट गाइस आपको ये डायना मिलती है, एक सिंगल सीट मिलती है। जब आप कंपनी से लेने जाते हो यू गेट द फ्रंट सीट ओनली, आपको इसके अंदर पीछे रियर सीट एंड ये बैक रेस्ट ये भी एक्सेसरीज में दिया जा रहा है। एंड सो दिस मेक्स दिस बाइक अ कम्प्लीट पैकेज फ्रॉम द अलॉय व्हील्स टू द एग्जॉस्ट टू द लेग गार्ड एंड ऑल दीज गुडीज, ये सब एक एक्सेसरीज लगाई गई हैं एंड ऑल आर ऑथेंटिक फ्रॉम हार्ली डेविडसन ओनली, कुछ भी आफ्टर मार्केट नहीं है इसके अंदर। और अगर हम प्राइस के बारे में बात करें एक्सेसरीज का, दीज एक्सेसरीज स्टैंड अलोन कॉस्ट नियरिंग 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपये का ये सिर्फ सामान लगा हुआ है, जो भी मैं कम कह रहा हूँ। और अलॉय व्हील्स जब पता करोगे हार्ली से तो नियर अबाउट 1,10,000 रुपये के आसपास के तो सिर्फ अलॉय व्हील्स मिलते हैं, उसके बाद 70,000 रुपये 80,000 रुपये का तो एग्जॉस्ट आता है एंड सीट्स लेग गार्ड लाइट्स वो चीज़ें अलग ही हैं, एयर फिल्टर दीज आर ऑल अलग से, उसमें और आराम हो जाता है। बाकी रही बात किलोमीटर की गाइस, ये बाइक चल चुकी है 18,000 किलोमीटर। आइए आपको इसका डैश दिखाता हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हो गाइस कहीं पे भी स्टार्ट करने का बटन नहीं है, एक ही फॉब होता है कीलेस एंट्री फॉब लाइक ऑल दी सॉफ्ट टेल्स एंड फैट बॉय में भी होता है, आपको बस इसको ऑन करना है इग्निशन पे करना है ये चल जाएगी। 18,453 किलोमीटर चल चुकी है, ABS की लाइट ब्लिंक हो रही है, दैट मीन्स इसके अंदर ABS भी है, आपको ABS मिलता है इस बाइक के अंदर। सो गाइस दिस इज़ अ कम्प्लीटली कीलेस व्हीकल, इसके अंदर आपको बस ये फॉब अपने पॉकेट में रखना होता है एंड यू आर गुड टू गो एनीवेयर। चाबी कहीं पे भी नहीं लगती है, चाबी कहाँ लगती है वो आपको दो जगह मैं दिखा देता हूँ। पहले एक ये वियर्ड लुकिंग सी की है, ये आपको पास आके देखनी पड़ेगी। दिस वियर्ड लुकिंग की इज़ एक्सेसिबल ओनली एट 2 places, पहली आती है यहाँ पे, आप इस फॉब को लॉक कर सकते हो जस्ट इन केस इफ़ यू आर आउट, आप इसके पास यहाँ पे ये चाबी यहाँ लगा के आप इसको लॉक कर दोगे तो दिस वॉन्ट ये ऑन नहीं हो सकेगी अगर आपको कहीं पार्क करनी है तो। लेट्स ओपन दिस थिंग अप एंड सेकेंडली गाइज ये चाबी लगती है हैंडल लॉक करने के लिए। हैंडल लॉक करने के लिए आपको मैं इसका भी एक स्पेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये छोटा सा आप देख रहे हो ये लॉक सेट बना हुआ है, दिस की फिट्स इन राइट ओवर हियर एंड आप इसको रोटेट करेंगे तो आपका हैंडल लॉक हो जाएगा। यू कैन सी हैंडल इज़ नॉट लॉक्ड, इसी को सीधा करके यू कैन अनलॉक दी हैंडल। इसके अलावा गाइज इसको स्टार्ट करने में बंद करने में कहीं पे भी चाबी नहीं लगती, यू जस्ट हैव टू कीप दिस फॉब इन योर पॉकेट एंड योर गुड टू गो। बाकी रही बात प्राइसिंग की, प्राइसिंग मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट के अंदर, दोनों का इकट्ठे बताऊंगा। चलिए लेट्स गेट टू दिस एम्बो विस्की जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, आपको इससे इंट्रोड्यूस कराते हैं। सो गाइज अब बारी आती है इस ब्यूटिफुल एम्बो विस्की स्ट्रीट बॉब को इंट्रोड्यूस कराने की। नाउ दिस बाइक ओवर हेयर इज 2015 मैनुफैक्चर एंड 15 रजिस्टर्ड, 2015 की ये बाइक है गाइज। रही बात एक्सेसरीज़ की, आप देख सकते हो दुनिया जहान का ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन दोनों बाइक्स के अंदर। ये एम्बर विस्की भी स्ट्रीट बॉब है, वो भी स्ट्रीट बॉब है। ये एप हैंडल बार जो है गाइस ये स्टॉक आती है कंपनी से, मैं आपको बताना भूल गया, दिस हैंडल बार इज स्टॉक बाय डिफॉल्ट फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ, ये एक्सेसरी नहीं है, स्ट्रीट बॉब आती ऐसी है। रही बात इस हैंडल बार की, ये तो कुछ ज़्यादा ही वाइड है, इट्स अ वेरी वाइड हैंडल बार एंड दिस बाइक इज़ अ प्योर एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ टेस्टफुली मॉडर्न बाइक इज़ ऑल अबाउट। ये एक टेस्टफुली मॉडल बाइक है, हर कोई बंदे का अपना टेस्ट होता है, एक पर्सनल प्रेफरेंस होती है, तो ये उसी हिसाब से बनाई गई है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग दिस बाइक, आगे से बात करते हैं गाइस। पहले आपको ये फैट बॉय स्टाइल के फिन्स देखने को मिल रहे होंगे, दिस फिन्स आर एन एक्सेसरी। आगे फैट बॉय के साइज़ की हेडलाइट, आप देख सकते हो कितनी बड़ी है ये हेडलाइट, उसके अंदर आप देख सकते हो काफ़ी छोटी हेडलाइट है, वो स्टॉक रिप्लेसमेंट कह सकते हो एक तरीके से।
अलॉन्ग विद दिस हेडलाइट यू गेट दिस ऑक्सिलरी लाइट्स, ये ऑक्स लाइट्स हैं, मतलब फॉग लाइट्स कह सकते हो। ये इंडिकेटर्स का सेट लगा हुआ है अलग से, इसके अंदर स्टॉक सेट आता है इसके ऊपर हैंडल बार्स के ऊपर, तो इसमें फोर इंडिकेटर्स हैं, तो कैसी ल्यूमिनेंस होगी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी अलॉन्ग विद दीज थिंग्स अलॉय व्हील इसके अंदर लगे हुए हैं, आपने देख लिया है। बाकी आ जाते हैं लेग गार्ड के ऊपर गाइस, लेग गार्ड तो लगा ही हुआ है, बट लेग गार्ड के साथ आपको यहाँ पे एलईडी बार लाइट्स मिलती है अलॉन्ग विद दिस फोकस लाइट्स, ये काफ़ी अच्छा ल्यूमिनेंस देती हैं। अभी आपको मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, इसको चला के दिखाएंगे। एंड इसी के साथ साथ गाइस इसके अंदर ये हाईवे पैक्स लगे हुए हैं, सो दैट आप बैठे बैठे ही अपने लाते स्ट्रेच कर सकते हो, यू वोंट हैव टू टेक अ हॉल्ट टू स्ट्रेच योर टोज टू स्ट्रेच योर फीट, आप इजीली इसके ऊपर स्ट्रेच आउट कर सकते हो। एंड इसके अलावा चलिए चलते हैं थोड़ा और नज़दीकी से इसको देखते हैं। इधर आप देख सकते हो, सबसे पहले एक ये हार्ली की तरफ से लिफ्ट और राइट के नाम से हार्ली की तरफ से एक्सेसरी है, दिस इज़ योर एयर फिल्टर कवर, ये एयर फिल्टर होता है बेसिकली, ये कवर चेंज करा रखा है क्रोम का। एंड द मेन थिंग अबाउट दिस बाइक इज़ द एग्जॉस्ट गाइस, इसमें कोबरा के एग्जॉस्ट लगे हैं, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस कह लो या मेरी पर्सनल चॉइस कह लो, मुझे कोबरा के एग्जॉस्ट, एक 883, एक ये स्ट्रीट बॉब या कोई भी इस मिलवॉकी सीरीज़ के इंजन के अंदर लगा होता है कोबरा का एग्जॉस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी आवाज़ बहुत प्यारी आवाज़ है, बड़ी स्वीट सी आवाज़ है, इसको फायर करूंगा, फ्लाई बाय दूंगा, दोनों का दूंगा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में खुद आप बताना डिसाइड करके कि वेदर कोबरा आपको अच्छा लगता है या वैंसर 9s, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर मेरे एक कमेंट्स लीव करना। बाकी इसके अलावा गाइस इसके पीछे सैडल बैग्स भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हो अलॉन्ग विद द सैडल बैग, जिसमें सैडल बैग स्पीकर्स लगे हुए हैं, स्पीकर्स माउंट करे गए हैं बोथ एट द रियर एज वेल एज ऑन द फ्रंट, यहाँ ऊपर भी स्पीकर्स दिए हुए हैं, तो इसके अंदर आपको म्यूज़िक सिस्टम भी मिलता है गाइस, आपको वो भी सुनाऊंगा मैं, अभी पहले म्यूज़िक सिस्टम सुनाता हूँ फिर आपको आगे चलते हैं। एक्सेसरीज अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी बहुत कुछ है, पीछे फुट पैग्स हो गए, अगले फुट पैग्स हो गए, आप देख सकते हो रियर सीट हो गई, बैकरेस्ट हो गया, एंड इसके पीछे भी एक काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ है जो आपको अभी नहीं, पहले आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ मैं, आवाज़ मतलब स्पीकर्स की आवाज़, देन आपको सुनाता हूँ मैं कि इसके इंजन की आवाज़ कैसी है। सो गाइस लेट्स हियर इट आउट, आपको सुनाता हूँ इसके स्पीकर्स की आवाज़ पहले, NCS म्यूजिक मैंने ढूंढ लिया है, एंड लेट्स प्ले दिस थिंग। तो गाइस मैंने माइक बाहर इसीलिए निकाल कर रखा था सो दैट आपको, एक्चुअली मैंने माइक टांगा हुआ था तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाए कि बंदा जब बीच में बैठा होता है तो कैसा रिवर्ब आता है फ्रॉम बोथ फ्रंट एंड द रियर। तो आई होप आपको जस्टिफाई कर रहा होगा माइक, एंड आई कैन नॉट एश्योर दिस थिंग कि आवाज़ कैसी आ रही होगी। बाकी दिस इज़ हाउ इट साउंड्स, इट साउंड स्वीट, नॉट टू लाउड, इतनी लाउड नहीं है बट एक अच्छी आवाज़ है इसकी भी। बाकी चलिए गाइस अब आप वक्त आ गए इन दोनों को फायर अप करने का, आपको एक छोटा सा फ्लाई बाय देता हूँ एंड आपको इसकी लाइट्स से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ।
कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेट्स फायर अप दिस वैंसर 9 नाउ। तो गाइस आप हो चुकी है वैंसर 9 स्टार्ट। बहुत लाउड है आवाज, काफी लाउड है। चलिए लेट्स टेक इट फॉर अ शॉट स्पिन। So guys, जैसे कि मैं थोड़ा शाम होने का इंतजार भी कर रहा था क्योंकि आपको एक यूनिक चीज दिखानी थी अबाउट दिस ब्यूटीफुल स्ट्रीट बॉब। पहले आपको मैंने ब्लू कलर की लाइट दिखाई थी। आई होप अब आपको जस्टिफाई हो जाएगा कि व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। नाउ चेक दिस आउट, दिस इज द लाइटिंग व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर इन दिस वीडियो। कैसी लग रही है बाइक, कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। कमेंट करके जरूर बताना गाइस, क्योंकि आफ्टर अ क्वाइट अ वाइल एक ऐसी बाइक का मैं रिव्यू कर रहा हूँ जो हमारे पास बहुत रेयर आती है। एंड दिस थिंग इज अ शीयर ब्यूटी ऑन टू व्हील्स। कितनी चमक रही है, ब्यूटीफुल, वेरी टेस्टफुली डन। बताना जरूर कैसी लग रही है अलॉन्ग विद लाइटिंग गाइस। एक और स्पेशल चीज थी इस बाइक की, वो भी आपको दिखाना चाहूँगा मैं। दिस थिंग व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, पीछे से भी गाइस एक स्कल की लाइटिंग दे रखी है। मतलब हाउ टेस्टफुली दिस थिंग इज बीन डन, आप खुद ही सिग्निफाई कर सकते हो कि कितना पैसा लगाया है और ये किस तरीके से तैयार की गई है। मेन बात गाइस किलोमीटर की, इसकी डिटेल्स की आपको बताना चाहूँगा। ये 24,000 किलोमीटर चल चुकी है। यस यू हर्ड मी राइट, आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार, आके आप देख लीजिए। 24,453, 24,500 किलोमीटर चली हुई है गाइस। तो किसी के मन में मिथ्स होता है कि करोड़ बार में मीटर टैम्परिंग होती है या कुछ भी होता है। गाइस मीटर टैम्पर करना होता, मैं इसका भी कर चुका होता, बट आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। मेरे यहाँ पे आपको जो भी बाइक मिलेगी बिल्कुल जेन्युइनली डन एंड पूरे सर्विस रिकॉर्ड के साथ आपको मिलेगी। यू कैन टेक द बाइक टू द हार्ली ऑल्सो एंड गेट इट चेक थॉरली, आई हैव नो ऑब्जेक्शन व्हाट्सएवर। ये 24,000 चली है, 2015 मैन्युफैक्चर एंड रजिस्टर्ड है एंड दिल्ली रजिस्टर्ड है गाइस। इसका हम लोग जो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं अलॉन्ग विद ऑल दी एक्सेसरीज आपको मिल जाएगी फॉर ओनली 675,000, 675,000 रुपये के अंदर आपको गाइस ये बाइक मिल जाएगी। एक्सेसरीज का भी अगर मैं प्राइस बताऊँ आपको तो नियरिंग 3,00,000 रुपये के आसपास सामान होगा ही होगा मिनिमम। बाकी अलग से आप एक बार ज़्यादा खुद लगा सकते हो। एग्जॉस्ट, सीट्स, बैकरेस्ट, लाइट्स, स्पीकर्स, हैंडल बार, हेडलाइट्स, ऑक्सिलरी लाइट्स, लेग गार्ड एंड बहुत कुछ है अलॉन्ग विद द अलॉय व्हील्स। बहुत सारा सामान है एंड प्राइस इज ऑल्सो फॉर द नेगोशिएबल। बाकी रही बात इस दूसरी चाकोल की, चाकोल ग्रे कलर। नाउ ग्रे कलर बीइंग वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स, आई यूजुअली लाइक ग्रे एंड ब्लैक कलर्स, थोड़े मेरे फेवरेट हैं। दिस बाइक इज 14 मैन्युफैक्चर एंड 14 रजिस्टर्ड गाइस। इसका जो हम लोग प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं अलॉन्ग विद ऑल द एक्सेसरीज इट्स गोना बी ओनली 6.25, 6.25 लाख रुपये की गाइस आपको ये मिल जाएगी। किलोमीटर्स आपको मैं दिखा देता हूँ, ये चलिए 18,455, 18,455 किलोमीटर्स चल चुकी है। दोनों गाइस ये कीलेस एंट्री की है, दोनों स्ट्रीट बॉब है, ये 14 है वो 15 है। प्राइस का फ़र्क 6.25 लाख, 6,75,000, सिर्फ 50,000 रुपये का ही फ़र्क है। यू कैन पिक एनी, चूज एनी, आओ बाइक चेक करो, कंपनी चेक कराओ, एनएस विच आर अ गुड डील। बाकी नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो गाइस बता दो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। ऐसे ही प्यार करते रहो, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले जाके सब्सक्राइब करो। एंड आई हैव पोस्टेड अ शॉर्ट स्टोरी ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो, अभी लगे यार डाल दी थी। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी यहाँ कहीं पे नीचे आ रहा होगा, वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हो। आई एम जसनीत के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे आई कीप ऑन पोस्टिंग अपलोडिंग माई राइडिंग स्टफ ऑल्सो, मैं राइडिंग भी करता हूँ। देखना चाहते हो तो फॉलो मी अपन इंस्टाग्राम। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से अगर नहीं कराया तो। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन सी यू, जसनीत सिंह।